नमस्कार, मैं हूं पायल गुड़िया। टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 4 विकेट से जीत हासिल करके साल 2019 का अंत शानदार तरह से किया। मैच में जीत के लिए भारतीय टीम को 316 रनों का विशाल लक्ष्य मिला था, जिसे कप्तान विराट कोहली के 85, केएल राहुल के 77 और रोहित शर्मा के 63 रनों की बदौलत हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया। मैच में शानदार प्रदर्शन करने वाले कप्तान कोहली को मैन ऑफ द मैच चुना गया, तो वहीं रोहित को मैन ऑफ द सीरीज। विराट कोहली ने मैन ऑफ द मैच बनने के बाद टीम इंडिया के प्रदर्शन की तारीफ की, लेकिन इस दौरान उनके मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल गए जो विराट ही नहीं बल्कि सभी भारतीय फैंस के घाव को हरा कर गए। विराट कोहली ने कटक वनडे खत्म होने के बाद हर्षा भोगले से बातचीत करते हुए कहा, ये साल भारतीय क्रिकेट के लिए शानदार रहा सिवाय वर्ल्ड कप के 29 मिनटों के, बाकी हमारे लिए सब कुछ अच्छा रहा। विराट ने कहा कि हम वर्ल्ड कप जीतने के लिए लक्ष्य का पीछा करते रहे, तो विराट कोहली के इस बयान से साफ है कि उन्हें वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हारना आज भी अखर रहा है। उनके दिल में अभी भी विश्व कप की हार का जख्म ताजा है। आपको पता होगा कि 2019 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में टीम इंडिया न्यूजीलैंड से मैच हार गई थी। इस हार के साथ ही टीम इंडिया का 3rd बार वर्ल्ड कप जीतने का सपना बिखर गया था। धोनी और जडेजा ने जरूर कोशिश की थी लेकिन भारत को जीत नहीं दिला पाए थे। लेकिन कटक में टीम इंडिया ने जिस तरह से जीत हासिल की उससे विराट कोहली काफी खुश दिखाई दिए। मैच के बाद विराट कोहली ने कहा, हमने पहले भी ऐसा कई बार किया है इसलिए हम शांत थे। इसमें सिर्फ छोटी साझेदारी की जरूरत होती है जिससे विपक्षी टीम बिखरने लगती है। शार्दुल और जडेजा का मैच जिताना बेहद ही सुखद रहा। इन दोनों ने मैच जिताया, ये बड़ी बात है। जब मैं आउट हुआ था तो मैं थोड़ा घबराया था, लेकिन जडेजा को आत्मविश्वास से भरा देख मुझे जीत का भरोसा पैदा हुआ। कोहली ने कहा कि अच्छी तेज गेंदबाज पाकर भारतीय क्रिकेट टीम मजबूत हुई है। तेज गेंदबाजों ने स्पिनर्स से ध्यान हटा दिया है जो कि बड़ी बात है। आपको बता दें कि इस साल भारतीय टीम ने 52 में से 35 इंटरनेशनल मैच जीते जबकि 15 में उसे हार मिली। टीम इंडिया ने इस साल 8 में से 7 टेस्ट मैच जीते, एक ड्रॉ रहा। इस साल भारतीय टीम एक भी टेस्ट नहीं हारी। वनडे की बात करें तो उसे 29 में से 19 में जीत हासिल हुई जबकि 8 मैच उसने गवाए, एक मैच बेनतीजा रहा। तो वहीं T20 में टीम इंडिया का प्रदर्शन इतना खास नहीं रहा, वो 16 में से 9 ही मैच जीत पाई जबकि 7 में उसे हार मिली। तो जिस तरह से भारतीय टीम खेल रही है, जिस तरह से गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाज जिस तरह से रन बना रहे हैं, वो शानदार है। उम्मीद करेंगे कि टीम इंडिया भविष्य में इसी तरह से प्रदर्शन करती रहे और भारतीय टीम जीतती रहे।